लोकसभा चुनाव के लिए संगरूर से आम आदमी पार्टी की तरफ से आज गुरमेल सिंह ने नॉमिनेशन फाइल किया है। उनके साथ आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और भगवंत सिंह मान जी के माता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी संगरूर में पहुंचे। हरपाल चीमा ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि हमने संगरूर जिम्मी चुनाव के लिए एक आम घर के नौजवान को मैदान में उतारा है। जैसे आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि हम आम लोगों को मौका देंगे, उसी तरीके से आज हमने गुरमेल सिंह को लोकसभा चुनाव के लिए संगरूर से मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि गुरमेल सिंह एक आम घर का पढ़ा लिखा नौजवान है और जैसे विधानसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, उसी तरीके से संगरूर की लोकसभा सीट को भी आम आदमी पार्टी जीतेगी। उन्होंने कहा कि गुरमेल सिंह एक गायों का सरपंच जब देश की पार्लियामेंट में जाकर बोलेगा तो बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को संगरूर से लोकसभा सीट के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा। गुरमेल के सामने कोई भी खड़ा हो जाए, गुरमेल सिंह की भारी बहुमत के साथ जीत होगी। होंगे गुरमेल सिंह जी एमपी के उम्मीदवार खड़े हुए ने, किस तरह देखते हो? कितनी लीड लग जाती? बहुत भारी इतिहासक जीत जड़ी आ आम आदमी पार्टी दी पार्लीमेंट संगरूर तो होनी हैगी। पंजाब के लोगों ने जिस तरह बड़े बड़े रीहीजादियां नू बड़े बड़े लोगों नू पहला पंजाब दी विधानसभा च हराया गा, उस तरह इस बार भी इस चोण विच इतिहासक जित जिहड़ी आ आम आदमी पार्टी नू प्राप्त होगी। एक आम घर दा मुंडा जिन्हें सब तो पहला अपनी हायर एजुकेशन लई एम ए मैथमैटिक्स दी कीती एम बी ए कीती और उस तो बाद पिंड दा सरपंच बनिया, अज ओह देश दी पार्लीमेंट जाऊगा। मैं समझदा पिंड दे सरपंच तो लैके देश की पार्लीमेंट पहुँचना एक वलंटियर वाली बहुत माण वाली गल है। साढ़े सारे वलंटियर पंजाब के पब्बा भार ने बहुत बड़ी जित जी प्राप्त होगी। सिमर सिंह मान सुखबीर बादल को मिले, किस तरह देख रहे हो समीकरण उन्होंने? ये उन्होंने अपना फैसला है जी, किने इलैक्शन लड़नी, मान साहब ने लड़नी, सुखबीर सिंह बादल ने लड़नी, बीबा हरसिमरत कौर बादल जिन्हें लड़नी है लड़ लैन, पर लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ी जित जी प्राप्त। कांग्रेस पार्टी को किस तरह देख रहे हो? कौन उम्मीदवार? कांग्रेस पार्टी भजी फिर रही है कि कैंडिडेट लभ ली, उन्होंने कैंडिडेट नहीं लभदा, कोई भी उन्होंने बंदा कैंडिडेट बनने तैयार नहीं है। जेडे पहला सरपंच सरपंच साहब के खिलाफ साढ़े कैंडिडेट साहब के खिलाफ जिहड़ियां सासां रचदे सीगे, अज उन्होंने कैंडिडेट नहीं लभ रहा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਾਈਟ ਦੋ ਵਾਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਤਾਂ ਫਾਈਟ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਲੜਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ? ਦੇਖੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਗਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ।